नमस्कार और आप देखें पल पल। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से कोविड 19 महामारी संकट को एक अवसर में बदलते हुए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए शैक्षणिक स्तर में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए किसी भी प्रवेश पर संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तरह का एक पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप ऐप और चैटबॉट का मित्र भी लॉन्च किया। साथ ही उच्चतर शिक्षा विभाग का एक नया वेब पोर्टल, 158 सरकारी कॉलेजों की वेबसाइट और राज्य में शोध को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा लॉन्च जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस नामक एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का शुभारम्भ किया। पलपल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। आज के शिक्षा विभाग के दृष्टि से कुछ प्रोजेक्ट्स उनका जो लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया, ऐसे अवसर पर उपस्थित सभी शिक्षाविद एवं अन्य सज्जनों, ठीक कहा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कि किसी भी व्यक्ति उसका जो संस्कार है, उसका जो श्रेणी नापी जाती है, उसकी शिक्षा से नापी जाती है। कोई भी देश हो, प्रदेश हो, उसका विकास वहाँ के एक अच्छे नागरिक के ऊपर निर्भर करता है। नागरिक जितना अच्छा होगा, जितना निर्मित होगा, जितना उच्च श्रेणी का होगा, देश और प्रदेश अपना नाम आगे कर पाएगा। हमको हरियाणा के नाते से एक बात सामने रखनी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश का हर बालक, हर युवा को अच्छा शिक्षित बने, संस्कारित बने, गुणकारी बने, ताकि अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सके। इसी दृष्टि से हमने शिक्षा में बहुत सी चीज़ों को आगे करने का काम किया है, चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, जो अभी 1000 स्कूलों की बात कही है, चाहे संस्कृत मॉडल स्कूलों की बात कही है, और चाहे फिर सेकेंडरी एजुकेशन हो या उच्च शिक्षा हो, सभी पर हमको ध्यान देना होगा। उच्च शिक्षा में खासतौर पर विशेषज्ञ तैयार करने की भी अपनी एक कला हमको ध्यान में रहनी चाहिए, चाहे वो ज्ञान विज्ञान की बात हो, गणित की शिक्षा हो, समाज के अध्ययन के समाज शास्त्र की बातों का अध्ययन हो, संस्कृति का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, हर प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। अभी हमने पिछले दिनों में इन सब शिक्षा पर ध्यान देते हुए अलग अलग आयाम के कई कॉलेजेस खोले हैं, यूनिवर्सिटीज खोली हैं, और तो और हमने एक संस्कृत विश्वविद्यालय इसको भी खोला है। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यक्ति का कौशल विकास भी होना चाहिए। केवल 3 आर एजुकेशन से काम नहीं चलता, उसको कुछ हुनर भी आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। इसके लिए हमने कौशल विकास विश्वविद्यालय पलवल के अंदर खोला है। इन सब बातों को आगे बढ़ाने का अर्थ यह है कि हम अपने शिक्षा को रोजगार परक बना सकें, व्यवसाय उन्मुखी बना सकें, और शिक्षा का एक गुणवत्तापूर्वक ये भी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि विश्व दुनिया के लोग भी हरियाणा में शिक्षा की ओर आकर्षित हों। हमने महिलाओं की शिक्षा की बात जैसे कही, 15 किलोमीटर की बात हमने पूरी की है, आगे चल करके इसको और कम दूरी यानी 10 किलोमीटर रख करके भी कुछ नए कॉलेज खोलने पड़ेंगे, तो भी हम महिला शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, इसके ऊपर पूरा हम ध्यान देने वाले हैं। हमारे कॉलेजेस का, विश्वविद्यालयों का, इनका स्तर भी कैसे ऊंचे उठे, उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे IT की प्रयोग है, और खास करके अभी तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया ये विषय, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, और कोरोना काल की शिक्षा पद्धति सामान्य वर्षों की तरह नहीं है। अब इस शिक्षा पद्धति को अदल बदल करके अब ये मालूम नहीं बीमारी कब तक चलने वाली है, फिर भी विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्तापूर्वक बने, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, IT बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम ये सारे खड़े किए जाए, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों का स्तर कैसे ऊंचा हो, इस स्तर को ऊंचा करने के लिए भी हमें टेक्निक्स, शिक्षा की स्किल्स, इनको बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारतवर्ष की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, उसमें हर चीज़ें समाहित है, उनमें हमने बहुत चीजें की हैं, और भी हमने आगे उनको लागू करना है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा देश का पहला प्रांत होगा जो नई शिक्षा नीति को इसको अपनाने जा रहा है, तो इसकी ओर आप सब लोग मिल करके काम करेंगे, ऐसा मेरी आपसे अपेक्षा भी है। विश्व भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, हम चाहेंगे कि उनको भी हरियाणा एक आकर्षण का केंद्र लगे, ताकि वो यहाँ आकर के और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के नाते से हरियाणा में अपने आप को स्थापित करें,
इसके लिए भी हमें उनको ध्यान कराना पड़ेगा। इन सब बातों के लिए आज जो हमने जितने भी लॉन्च किए हैं सॉफ्टवेयर, चाहे उसके अंदर व्हाट्सएप चैटबॉट है, चाहे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन आदि जो है वो घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा, हम अपलोड करेंगे। और हमने जितने भी घर बैठे एडमिशन लेके पढ़ाना है वो किए हैं, आज से वो एडमिशन शुरू हो रहे हैं। आज जितने बच्चे एडमिशन लेना शुरू करेंगे इस पूरे सत्र के एडमिशन के लिए, मैं उन सब विद्यार्थियों को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कोरोना के समय में एक बात हमने और जो की है वो भी आप लोगों ने जनता को बताया होगा, उसको भी प्रचारित करना चाहिए। हमने इस बार रजिस्ट्रेशन फीस और एप्लीकेशन फीस ये भी और इस माफ कर दिया है। इस बार उनका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे, कोई उनका एप्लीकेशन फीस नहीं ले रहे, ताकि विद्यार्थियों के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ वो न पड़े। हम हर दृष्टि से हरियाणा के छात्रों की, चाहे वो हरियाणा का रहने वाला हो, चाहे हरियाणा से बाहर से आकर के यहाँ पढ़ने वाला हो, उन सब छात्रों के हितों की पूरी चिंता करेंगे, पूरी उनकी रक्षा करेंगे। बजट की जहाँ तक बात की है, हमने बजट भी बढ़ाया है, कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई कोई आएगी इसको हम दूर करेंगे। एक अपेक्षा विद्यार्थियों से जरूर है, विद्यार्थियों का साथ भी हमको चाहिए। जैसा कहा, सबका साथ सबका विकास, विद्यार्थी को अपना विकास करना है तो सरकार तो सब करेगी ही, उनका भी साथ हमको चाहिए। मिल करके हम विद्यार्थी के जीवन को उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे और हरियाणा को उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए श्री कृष्ण कौरपाल जी, अपने शिक्षा मंत्री, हमारे सभी हमारे अधिकारी हैं, उसमें अंकुर गुप्ता जी हैं, अजीत बालाजी जोशी हैं और अन्य भी जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस काम में लगे हैं, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। हरियाणा में किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके फॉर्म भरने में आ रही किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। दृष्टिहीन, बधिर एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा एक सहायता नंबर भी चलाया जा रहा है, जिसमें मिस कॉल देकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। दिव्यांगजन व दृष्टिहीन विद्यार्थियों के फॉर्म विभाग द्वारा छात्रों की सहायता से चलाए जा रहे कॉल सेंटर से भरे जाएंगे। कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस या प्रोस्पेक्टस फीस नहीं ली जाएगी। इस वर्ष विद्यार्थी यूपीआई के माध्यम से घर बैठे ही एडमिशन फीस भर सकेंगे, जिसके लिए उनसे बैंक द्वारा कोई भी अन्य चार्ज नहीं लिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।